हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th का कैपेसिटेंस का प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है नेट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज इज 1 माइक्रोफेराड। तीन कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में लगा हुआ है और नेट जो सी इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 1 माइक्रोफेराड। तो हम लोग सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस तीनों आइडेंटिकल है, तीनों का कैपेसिटेंस हम लोग सी एज्यूम कर सकते हैं। तो ए हमको देगा वैल्यू 3/C, तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, C/3। और सी का वैल्यू यहाँ पर सी इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 1, तो सी बराबर कितना लिख सकते हैं 3। मतलब कि तीनों कैपेसिटेंस, तीनों जो कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में, इसका इंडिविजुअल वैल्यू 3/3 माइक्रो फैराड है, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। बोल रहा है कि अब तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन, एडिशन 3 + 3 + 3, तो ये आ जाएगा 9 माइक्रो फैराड, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट। उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द टू कन्फिग्रेशन। उसके बाद दोनों में एनर्जी स्टोर का जो रेशियो होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो दोनों का एक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो वी ही है। तो पहला केस में U1 कितना आ जाएगा, 1/2 CV² C का वैल्यू 3 माइक्रो फेराड इंटू, यहाँ पर 9 माइक्रो फेराड हो जाएगा, और इंटू V² दोनों का रेशियो पता करेंगे तो ए आ जाएगा U1/U2 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि यहाँ से कैंसिल होगा 3 से और बाकी सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो 1:3 आएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। सॉरी, यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट लेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों का जब इक्विवेलेंट है तो 1 माइक्रोफेराड ही कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है। तो ऊपर में 1 रहेगा, नीचे में 9 रहेगा, 1:9 ही आएगा। तो आंसर 1:9 हो जाएगा एनर्जी का, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग एनर्जी लेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 माइक्रोफेराड और यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड इक्विवेलेंट तीनों का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है फिगर शो टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2। यहाँ पर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 दिखाया गया है, दोनों आइडेंटिकल है। ईच ऑफ 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस, 2 माइक्रोफेराड गिवन है और इसको कनेक्ट किया गया है 5 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया। इनिशियली स्विच ए स्विच क्लोज, इनिशियली इसको हम लोग क्लोज करके रखते हैं और आफ्टर सम टाइम ए स्विच लेफ्ट ओपन, मतलब कि चार्ज हो जाने के बाद इसको फिर से ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, दोनों में हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 का डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दे रहे हैं, जो कि कंप्लीटली फिल कर दे रहा है कैपेसिटर को। तो पता करना है पहला केस में, पहला जो क्वेश्चन है उसमें चार्ज का वैल्यू क्या होगा, दोनों के लिए चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो इनिशियली जब इसको हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है, वैल्यू कब पूछा है, चार्ज होने से पहले या फिर चार्ज होने के बाद। हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड। तो हम लोग को दोनों केस में देखना होगा कि जब एक क्लोज था उस समय चार्ज क्या होगा, और जब इसको हम लोग हटा देंगे तब चार्ज क्या होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं जब एक क्लोज होगा तब चार्ज कितना होगा दोनों में, और इनिशियल कंडीशन जबकि इसमें कुछ इंसर्ट नहीं किया गया है। तो पहला केस में वी बराबर Q/C या क्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं CV, तो Q1 हम लोग निकाल सकते हैं जब एक क्लॉज है तब Q1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q1 C1 into V इज इक्वल टू 5 × 2 माइक्रो फेराड। तो एक कितना देगा 10 माइक्रो कूलम, ये आ जाएगा Q1 का वैल्यू। उसी तरह से Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो ए भी देगा C2 × V, आइडेंटिकल है तो इसमें भी सी का वैल्यू 5 ही लेना होगा, और ए भी देगा 10 माइक्रो कूलम। अब थोड़ा देर के बाद क्या किया जाता है, स्विच को ओपन कर दिया जाता है, स्विच को हम लोग ओपन कर दिए, ठीक है। जब स्विच को ओपन कर देंगे तो यहाँ पर Q1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि अब तो सी का वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पर डायलेक्ट्रिक भी हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं, तो ए हो जाएगा C1 - V। C1 कितना होगा, C1 हम लोग लिख सकते हैं टोटल कैपेसिटर K × C,
और के का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर 5, तो 5 इंटू सी का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड इंटू पोटेंशियल 5, तो ये आ जाएगा 50 माइक्रो कूलम, ठीक है। और Q2 के लिए चूंकि इसको हम लोग अब इसके साथ कनेक्टेड नहीं रखे हैं, तो जो चार्ज पहले था वो चार्ज अब भी रहेगा। Q2 पर जो चार्ज था 10 माइक्रो कूलम का, वो चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा। हाँ, यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। C का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड के इंटू, मतलब कि 5 इंटू 2 के सी टाइम्स हो जाएगा के सी 2, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोफेराड, तो ये आ जाएगा Q2 के लिए। मतलब इनिशियल वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनिशियल में Q1 और Q2 कितना कितना था, दोनों 10-10 था। इनिशियली Q1 Q2 दोनों 10-10 था, और फाइनली Q1 का वैल्यू, इसको Q1 डैश हम लोग ले लेते हैं बाद के वैल्यू को, Q1 डैश का वैल्यू डिफरेंट हो गया, 50 माइक्रो कूलम हो गया, और Q2 डैश 10 माइक्रो कूलम ही रह गया। तो ये हो गया इनिशियल और फाइनल दोनों चार्ज। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों प्लेट के क्रॉस। तो इस प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल सेम ही रहेगा 5 वोल्ट, क्योंकि ये इंसर्ट करने के बाद भी 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा पोटेंशियल में। मतलब कि V1 पहले और बाद में दोनों केस में कितना रहेगा, V1 बराबर V1 डैश 5 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन दूसरा कैपेसिटर के लिए चेंज कर जाएगा। इनिशियली V2 कितना था, इनिशियली V2 था 5 वोल्ट, और फाइनली V2 डैश कितना हो जाएगा, Q/C, क्यू आया था हम लोग का 10 माइक्रो कूलम बाई C2 डैश यूज करेंगे, क्योंकि बाद में हम लोग डायलेक्ट्रिक स्लैब भी उसके अंदर डाल दिए हैं, तो 10 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 10 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1 वोल्ट, ये आ जाएगा फाइनल वोल्टेज V2 का। मतलब V2 के केस में V2 था 5 वोल्ट, और V2 डैश बाद में आ गया कितना, 1 वोल्ट, तो ये दोनों में चेंजिंग आएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 17, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 एंड C2 हैव कैपेसिटेंस C, यहाँ पर दोनों का कैपेसिटेंस C है, दो कैपेसिटर है, एक A हो गया और एक A वाला, दोनों का इनिशियल वैल्यू CC है। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि इसमें डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जा रहा है, और इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, K, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट में K1 और दूसरा पार्ट में K2 डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को पता करना है इफ द टू कैपेसिटर स्टील हैव इक्वल कैपेसिटेंस, अभी भी C1 डैश इज इक्वल टू C2 डैश, मतलब ये सब करने के बाद मान लेते हैं C1 डैश हो गया और ये C2 डैश हो गया, तो C1 डैश और C2 डैश अभी भी इक्वल ही है। देन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बीच क्या रिलेशन आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनिशियली तो C1 इज इक्वल टू कितना था, C था, और C2 कितना था, वो भी C ही था। अब बाद में जब बात करेंगे तो C1 डैश कितना हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा K इंटू C, और C2 डैश कितना होगा, C2 डैश अब दो कैपेसिटर बन गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगा हुआ है। तो C2 डैश को हम लोग क्या करते हैं, C2 1 जो आधा ए हाफ है, इसको हम लोग ग्रीन कलर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, जिसको हम लोग C2 डैश बोलेंगे, एरिया पहले के कंपेयर में आधा हो गया है, तो एरिया A/2 इंटू A/0/D, डी का वैल्यू, डी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, दोनों के बीच जो जितना चौड़ाई था अब भी उतना ही है, लेकिन यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है जिसका वैल्यू है K1, तो K1 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि ये जो वैल्यू है अब बन जाएगा A/0/D को हम लोग फिर से इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, K1 इंटू A/0/2D। अब यहाँ पर A वैल्यू हम लोग को देगा A/0/D को हम लोग C बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा C K1/2। उसी तरह से अब C2 1, अब C2 2 निकालेंगे, मतलब कि नीचे वाला, ठीक है, इसको हम लोग कोई अदर कलर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना देगा, ये A बन जाएगा A/2 Epsilon0 K2/D,
तो ए वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा के टू इंटू सी बटा टू। अब ए दोनों जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सी जब निकालेंगे सी टू डैश, तो ए क्या करेंगे सी टू डैश, ठीक है ना, ए ध्यान रखना ए वन है और ए सी टू डैश है, सी टू डैश हो जाएगा सी टू वन प्लस सी टू टू पैरेलल में, तो सिंपल दोनों को ऐड कर देना है, तो सी बाई टू कॉमन हम लोग ले सकते हैं और ए हो जाएगा के वन प्लस के टू, तो ए हम लोग को वैल्यू मिला सी टू डैश का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब करने के बाद भी हम लोग का सी वन डैश और सी टू डैश इक्वल रहता है, तो सी वन डैश का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर के सी निकाल चुके हैं, मतलब कि के सी इक्वल टू आने वाला है हम लोग का सी बाई टू के वन प्लस के टू के बराबर, तो यहाँ से सी और सी कैंसिल होगा, तो के का वैल्यू कितना मिल जाएगा के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये हम लोग का फाइनल रिलेशन आया के वन और के टू में। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, तो इस वीडियो को अब यहीं पर क्लोज करते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।